तो दोस्तों यह बोट का नया स्मार्ट वॉच बोट वेब कनेक्ट और ये एक बजट फ्रेंडली ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है। इसकी जो कीमत है ये आपको 2500 रुपीस के लिए लॉन्च हुए हैं, लेकिन आगे शायद इसकी जो प्राइसिंग यहाँ पे बढ़ सकता है। बाकी 2500 रुपए के हिसाब से ये जो कॉलिंग स्मार्ट वॉच आपके लिए कैसा रहेगा, आज के वीडियो में आपको एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो गाइस प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं इसकी जो बॉक्स पैकेजिंग की। तो यहाँ पे आपको ऊपर वेब कनेक्ट करके मेंशन है और यहाँ पे आपको एक्चुअल इमेज देखने को मिल जाएंगे इसी स्मार्ट वॉच की। और यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स है, जैसे आपको मैं कहा कि ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग वाले स्मार्ट वॉच है और यहाँ पे आपको 1.69 इंच के यहाँ पे HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पे आपको अलेक्सा बिल्ट इन ये देखने को मिलते हैं। पीछे कुछ की हाइलाइट्स है जो कि आगे आपको मैं बताऊंगा वीडियो में, और जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं भाई यहाँ पे आपको बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलने वाला है। सो आज यूजुअल यहाँ पे आपको बोर्ड पे जैसे बहुत सारे पेपर वर्क देखने को मिलते हैं, वैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे पेपर वर्क देने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक 1 ईयर की वारंटी कार्ड, कुछ यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल्स और यहाँ पे आपको बोर्ड के कैटलॉग और साथ में यहाँ पे आपको बोर्ड हेड के एक स्टिकर भी देने को मिल जाएगा। और इस स्मार्ट वॉच को चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको एज यूजुअल ऐसे पोको पिन टाइप की चार्जिंग केबल भी देने को मिल जाएंगे। और एंड में इस स्मार्ट वॉच की बात करें तो इसकी जो ओवरऑल लुक और फिनिश है ये आपको काफी अच्छे देने को मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिलेगा, मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है ये थोड़ी सी यहाँ पे कम हो सकता था, लेकिन अभी के लिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरऑल जो लुक है ये आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाते हैं। बटन की क्वालिटी अच्छा है और यहाँ पे आपको पीछे सारा सेंसर देखने को मिलेंगे, चार्जिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे स्ट्रैप की बात करें इसकी जो क्वालिटी आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और आपको यहाँ पे स्किन फ्रेंडली देखने को मिलेगा। बाद में चाहोगे तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको शायद 22mm का स्ट्रैप का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे आपको जो बकल है ये भी आपको प्रॉपर मेटल के देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, खास करके यहाँ पे जो इसकी लुक्स है ये आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलती है। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो इसकी जो क्वालिटी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, रेस टू वेक वाली फीचर बहुत अच्छे से काम करता है और आउटडोर कंडीशन में आपको ब्राइटनेस भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे थोड़ी सी ज्यादा चिन्ह देखने को मिलते हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पे वॉच की UI को लेके, तो इसी बटन के थ्रू अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले मेन्यूज देखने को मिल जाएंगे। दोबारा प्रेस करने पर यहाँ पे आप होम पेज को आ जाते हो, तो यहाँ पे बटन के थ्रू इसको बंद नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा जब तक यहाँ पे ऑटोमेटिकली बंद ना हो जाए। इसी बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखने में यहाँ पे आपको Alexa का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको जो माइक्रोफोन की इनपुट इस साइड देने को मिल जाता है, जो स्पीकर की आपको आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ऊपर से नीचे स्वाइप करने में आपको यहाँ पे सारा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे नीचे से ऊपर स्वाइप करने पे आपको सारा टैगल्स देखने को मिल जाएंगे। कॉलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फेवरेट्स, कॉल हिस्ट्री और आपको यहाँ पे डायलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इस साइड यहाँ पर स्वाइप करने में आपको एक्टिविटी डेटा, देन आपको यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटरिंग और उसके बाद हमें स्ट्रेस मॉनिटरिंग और उसके बाद हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे स्पोर्ट्स मोड। मोर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स मोड का डिटेल्स देने को मिल जाएगा। वैसे अगर आप देखोगे एक चीज कि यहाँ पे आपको स्विमिंग के लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको IP68 रेटिंग है तो यहाँ पे इसको स्विमिंग के लिए ना यूज करें, 5 ATM ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी यहाँ पे आपको टोटल 60 स्पोर्ट्स मोड देने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको अगेन इसको स्वाइप करने पे आप होम पेज पर आ जाओगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों साइड आपको सेम चीज आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इन्फिनिटी टाइप का स्क्रोलिंग वाली ऑप्शन देने को मिल जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे वॉच की UI आपको काफी अच्छा देने को मिल जाता है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा भाई, यहाँ पे इसी वॉच फेसेस को अगर यहाँ पे इस तरह से आप प्रेस करोगे तो आपके पास और भी जो बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जनरली ऐसे 4-5 रहता है, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 11 वॉच फेसेस देने को मिल जाएगा। और भी यहाँ पे वॉच फेसेस आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो ऑपरेशन थ्रू, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इतने सारे वॉच फेसेस देने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इसी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बोट वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और बोट से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है भाई, एक ही एप्लीकेशन यूज किया करो। बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे डिफरेंट ये यूज करते हैं डिफरेंट स्मार्ट वॉच के लिए, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की जो UI है ये आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पे आपको सबसे पहले सारा एक्टिविटी के डिटेल्स और उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स काउंट और आपको जो हेल्थ रिलेटेड सारा मॉनिटरिंग के डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको इनअप GPS का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डिवाइस का जो सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि आपको Alexa और यहाँ पे वॉच फेसेस मार्केट के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक करने पे आपको सारा सेटिंग्स यहाँ पे इसी स्मार्ट वॉच का देखने को
मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कितना बैटरी है, कनेक्टेड है या नहीं वो इन्फॉर्मेशन दिखाता है। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी आपको स्टेप्स काउंट और कैलोरी और आपको यहाँ पे हार्ट रेट का ऑप्शन देने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको वॉच फेसेस मार्केट पे अगर आप मोर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आपको बहुत सारे यहाँ पे वॉच फेसेस का ऑप्शन देने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आपको कस्टमाइज टाइप की वॉच फेसेस लगाना है तो यहाँ पे आपको फोटो के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन देने को मिलेगा। ऐसे आपको यहाँ पे 3 कस्टमाइजेशन देने को मिलेंगे। आप कोई भी कस्टमाइजेशन पे जाओ और यहाँ पे अपना फोटो वगैरह लगा के भी यहाँ पे आप इसको आज वॉच फेसेस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आपको हेल्थ मॉनिटरिंग का ऑप्शन देने को मिलेगा। और इस पर अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हार्ट रेट मॉनिटरिंग के डिटेल्स देने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन रहेगा आज कंटिन्यूअस हार्ट रेट मेजरमेंट। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप बंद कर देना अगर आपको जरूरत नहीं है, ताकि यहाँ पे आपको जो बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेटर मिल पाए। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि आपको यहाँ पे 7 डेज का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉलिंग के साथ यूज करोगे तो यहाँ पे गाइस आपको 2 दिन का बैटरी लाइफ मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ड्रिंकिंग रिमाइंडर, सेडेंटरी अलर्ट, स्लीप मॉनिटरिंग और यहाँ पे आपको एक एम्बिएंट साउंड लेवल का ऑप्शन मिलता है। अभी के लिए इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, बाकी इसका जो क्या काम है आपको आगे मैं बता दूंगा। और नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको FAQs देखने को मिलते हैं, अलार्म क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको मैसेज नोटिफिकेशन और यहाँ पे आपको अमेजन एलेक्सा के रिलेटेड सारा सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कॉल को यहाँ पे नोटिफिकेशन इनेबल कर देना ताकि यहाँ पे आपको कॉल का जो फीचर यहाँ पे काम करे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है, डिवाइस सेटिंग और आपको डिवाइस पे कोई अपग्रेड आए कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर वो भी यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपको फीडबैक, क्वेरी एंड अबाउट का ऑप्शन देने को मिल जाएगा और एंड में आपको हमें प्रोफाइल के रिलेटेड सारा ऑप्शन देने को मिल जाएंगे। और ओवरऑल यहाँ पे इस बार जो एप्लीकेशन की UI है ये आपको काफी डिसेंट देने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको सारा सेटिंग्स आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो अभी आपको ये जो एम्बिएंट साउंड की जो ऑप्शन मिल रहा था आपको मैं ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे आपको डेसिबल में यहाँ पे आपको ऑप्शन देने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है कि आपको जो आउटडोर कंडीशन में जो भी नॉइज रहेगा कितना लेवल है उसी नॉइज का आपको यहाँ पे बताता है। जैसे कि आप देख सकते हो 71, 72 ऐसे करके यहाँ पे जो साउंड के लेवल यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। बाकी इसका क्या काम आ सकता है रियल टाइम में ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको ये जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ज्यादातर यहाँ पे स्मार्ट वॉच में जो अलार्म क्लॉक का ऑप्शन रहता है वो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके आपको ऐड करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको अलार्म सेट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये एक अच्छी फीचर है जो कि यहाँ पे आपको इसी स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जो म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है जिसकी वजह से आप बड़े आसानी से गाने को प्ले कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो, नेक्स्ट करना होगा तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है और यहाँ पे आपको प्रीवियस करने का भी ऑप्शन देने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। वैसे अभी जो आप साउंड आउटपुट सुन रहे हो ये आउटपुट यहाँ पे आपको इसी फोन से मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्पीकर के थ्रू अपने जो स्मार्ट वॉच के स्पीकर के थ्रू आपको कोई भी यहाँ पे आपको साउंड आउटपुट सुनाई नहीं देगा, तो ये एक अच्छी चीज है। नहीं तो अगर यहाँ पे कोई भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख रहे होगे तो वो भी साउंड आउटपुट यहाँ पे आपको इसी स्मार्ट वॉच से सुनाई दे सकता था, लेकिन अभी के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ ये म्यूजिक कंट्रोल आपको जो स्मार्टफोन का जो यहाँ पे कंट्रोल करता है। यहाँ पे कोई कॉलर में आपको सेम रिंगटोन आपके जो स्मार्टफोन में रहेगा वो सुनाई देगा। यहाँ पे कॉल को आंसर करने के लिए रिजेक्ट करने के आपको ऑप्शन मिलेंगे, कॉल को साइलेंट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे नंबर भी शो कराता है और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो कॉल को यहाँ पे म्यूट करने के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे बात पूरा हो जाने के बाद आप कुछ इस तरह से अपने जो कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो अब जल्दी से यहाँ पे आपको एक कॉल का टेस्ट करके बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी आइडिया लगे कि यहाँ पे इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलती है। तो अभी ये जो आवाज आपको इसी बोर्ड वेव कनेक्ट से मिल रहा है और यहाँ पे आइडिया कर सकते हो कि इसी स्मार्ट वॉच से आप किसी को कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी कैसे मिल सकती है। तो जैसे आपने इसके एक कॉल टेस्ट देखा तो कॉल की क्वालिटी भी आपको यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कॉलिंग के लिए इसको लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएंगे। अब हमने अलेक्सा वाली फीचर का इस्तेमाल किया था तो जैसे मैंने यहाँ पे टर्न ऑन लाइट कहा तो आप देख सकते हो कि इमीडिएटली यहाँ पे लाइट भी टर्न ऑन हो चुका है। यहाँ पे सेंसर की बात करें तो यहाँ पे ये हार्ड सर्फेस में काम नहीं करता है, ना ही आपको यहाँ पे सॉफ्ट सर्फेस में कोई रीडिंग देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने इसको साइड बाई साइड टेस्ट किया था तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो लगभग आपको यहाँ पे सिमिलर देखने को मिल रहे थे, बस आपको 1-2% का ही डिफरेंस देखने को मिल रहे थे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हार्ट रेट की या फिर SpO2 की। लेकिन यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आपको ऐसे बजट स्मार्ट वॉच पे ना भरोसा करके आपको यहाँ पे मेडिकल ग्रेड वाले इक्विपमेंट्स यूज करना ज्यादा बेटर रहेंगे। सो ओवरऑल मैं बात करूँ भाई 2500 रुपए के लिए ये जो स्मार्ट वॉच है काफी अच्छा है अगर आपको एक ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच की जरूरत है, जहाँ पे आपको अलेक्सा बिल्ट इन भी मिल जाता है और यहाँ पे इसकी जो बिल्ड और फिनिश वो भी काफी आपको अच्छे देखने को मिल जाता है। एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस किया जो कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कॉन के यहाँ पे आपको कोई भी
हमें कैमरा कंट्रोल की ऑप्शन देने को नहीं मिलता है, नहीं तो यहाँ पे ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और यहाँ पे को जो फीचर्स मिलते हैं वो काफ़ी आपको अच्छे देने को मिल जाते हैं। आप इसको बाय कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे कैमरा कंट्रोल की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी कोई डाउट रहे या फिर कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई कंपेरिजन देखना होगा इसी स्मार्ट वॉच के साथ तो जरूर से मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताओ, या फिर आप चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, मैं आपको जरूर से हेल्प करूँगा। बाकी अभी के लिए अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।